तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे फेज इक्विलिब्रिया, और फेज इक्विलिब्रिया का ये मेरा सेकंड क्लास है। पहली क्लास में अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले बेटा पहली क्लास पढ़ें। फेज इक्विलिब्रिया तब तक समझ नहीं आएगा जब तक पहली क्लास से कंसंट्रेशन के साथ और दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए नहीं पढ़ोगे। बीच बीच में फेज इक्विलिब्रिया नहीं समझ आएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत टफ चैप्टर है। तो पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया फेज रूल क्या होता है, लेकिन उस फेज रूल का कोई मतलब नहीं है जब तक, हमने कहा था, तीनों चीजें क्लियर ना हो जाएं। कौन से तीनों? फेज रूल में इस्तेमाल होने वाले तीन टर्म, पहला फेज, दूसरा कंपोनेंट और तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन तीनों में से लेक्चर वन में मैं आपको फेज क्या होता है पढ़ा चुका, फेज कैसे निकाले जाते हैं पढ़ा चुका, बहुत सारे एग्जांपल कराए थे फेज निकालने के लिए। अब एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? फेज निकालना सीख गए हो तो अब आप कंपोनेंट निकालेंगे। अगर अभी भी आप फेज निकालना नहीं सीखे तो आप फिर से पिछला ही वीडियो पढ़ें और फेज निकालना सीखें पहले, फिर कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक भाई? तो जो लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर, उनको मालूम होगा कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल के साथ मैं आ रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और आपके फेज, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर रहें। ठीक है भाई? तो हम लोग आज की इस क्लास में बात करेंगे कंपोनेंट की। देखिए, कंपोनेंट क्या होता है इसको जरा आप एक आसान भाषा में समझिए। जैसे सपोज करिए हमारे पास वाटर सिस्टम है, और हमारे पास जो वाटर सिस्टम है ये देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, सब लिखते जाइएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास वाटर सिस्टम है। मैं अभी फिजिकल सिस्टम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फिजिकल सिस्टम में कंपोनेंट आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। समस्या तब होती है जब केमिकल रिएक्शंस में कंपोनेंट निकालने होते हैं। बेटा केमिकल रिएक्शंस में कंपोनेंट निकालना जिंदा मेंढक तराजू में तौलने के बराबर है। अगर आप बहुत कंसंट्रेशन, बहुत मेहनत से नहीं करोगे, सारे मेंढक भाग जाते हैं। वैसे ही यहां कंपोनेंट निकालना होता है। चलिए, तो हम फिजिकल चीज में पहले एक दो आसान आसान लेते हैं ताकि तुम्हारा मन भी लगा रहे। तो वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम में देखिए क्या, मान लीजिए वाटर सिस्टम है, वाटर के सभी फेज मौजूद हैं। तो आइस, आइस है इक्विलिब्रियम पर वाटर के साथ, और वाटर है इक्विलिब्रियम पर वेपर के साथ। तो देखिए बेटा, इसमें तीन फेज हैं, आइस, वाटर, वेपर। जब आइस, वाटर और वेपर तीन फेज हैं, तो अब बात आती है कि सिस्टम के लिए फेज तो आपको मालूम है तीन, अब कंपोनेंट कितने। देखिए कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट वो मिनिमम नंबर होते हैं, कंपोनेंट वो मिनिमम नंबर होते हैं जिसमें किसी भी फेज को रिप्रेजेंट करने, एक्सप्रेस करने, डिफाइन करने की पूरी बात कह दी जाए। मतलब जैसे किसी फेज में वो कम से कम, मिनिमम से मिनिमम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट के नंबर बता दिए जाएं, जो कॉन्स्टिट्यूट के नंबर उस फेज को क्लासिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। फिर से समझिए, किसी भी सिस्टम में कई सारी फेज हो सकती हैं, जैसे इस सिस्टम में देखिए तीन फेज हैं, एक फेज, दो फेज, तीन फेज। अब किसी भी फेज में
उस फेज को डिफाइन करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट कहलाएंगे। उस फेज को डिफाइन करने के लिए कम से कम कितने कॉन्स्टिट्यूट बताना जरूरी है जो उस फेज को डिफाइन कर दे, वो कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूट। जैसे कहा जाए कि कितना प्यारा कपल है, कितना प्यारा कपल है, ठीक भाई, दो लोग हैं तो कहा जाए यार कितना प्यारा कपल है, कितनी अच्छी जोड़ी है इस लड़के और लड़की की, कितनी अच्छी जोड़ी है। फिर उसमें कह दिया जाए कि यार ये लड़का है, तो अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरी वाली लड़की है, एक अच्छा कपल है, जोड़ा है, उसमें एक को मैंने बता दिया कि ये लड़का है तो दूसरा लड़की है। अच्छा, आजकल समस्याएं थोड़ी गंभीर हो गई हैं, हम लोग अपने हिंदुस्तानी रीति रिवाज के अनुसार बात करते हैं, तो दो लोगों में किसी एक को बता देते ही दूसरा अपने आप क्लियर हो जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बंदे दो हैं, लेकिन उस फेज में, उस सिस्टम में एक को अगर हम बता देते हैं तो वो दोनों को देखिए डिफाइन किए दे रहा है। अब एक कपल है, उसमें ये बॉय है, तो कपल में अंडरस्टूड है दूसरी गर्ल है, हिंदुस्तानी सिस्टम में, यूरोपियन सिस्टम में कुछ भी हो सकता है बेटा, तो हम लोग यहां बात करते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी है ना, तो कहा गया कि वैसे ही हमारे सिस्टम में किसी भी फेज में उस फेज को डिफाइन करने के लिए जितने मिनिमम कॉन्स्टिट्यूट बताने ही पड़े वो कहलाएंगे कंपोनेंट। तो डिफाइन कर लिया, यहां पर लिखा है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूट नेसेसरी टू डिफाइन एनी फेज इन द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो उसकी किसी भी फेज को डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट बताना आवश्यक हो वो मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट कहलाएंगे। हमने यहां एक बड़ा आसान सा एग्जांपल लिया है, वाटर सिस्टम, आइस, वाटर, वेपर। अच्छा, अगर कहा जाए कि ये बर्फ है, ये बर्फ है, तो बर्फ का कंपोनेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूट क्या है? सर, बर्फ कॉन्स्टिट्यूट वाटर, पानी की बनी होती है, H2O, तो इसका मिनिमम कॉन्स्टिट्यूट H2O। अब ये थोड़े बताना पड़ेगा बर्फ सर इसमें रुआब्जा भी, ये भी, वो भी, वो भी, तो बेटा फिर वो बर्फ थोड़ी रह जाएगी। आइस कॉन्स्टिट्यूट वाटर H2O, वाटर कॉन्स्टिट्यूट H2O, वेपर कॉन्स्टिट्यूट H2O, इक्विलिब्रियम पर है, यानी आइस, वाटर, वेपर तीन अलग अलग फेज जरूर हैं, पर किसी भी फेज को बताने के लिए सिर्फ H2O कह दीजिए, काम हो जाएगा। कहा जाए अ सिस्टम हैविंग आइस, वाटर एंड वेपर, द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सिस्टम इज H2O। बर्फ भी भाई H2O की बनी है, पानी भी H2O का बना है, वेपर भी उस सिस्टम में H2O की बनी है, तो कंपोनेंट क्या हो गया, वन H2O, यानी यहां वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट। कहोगे तुम कितना आसान है सर जी, हमने कहा ना बहुत आसान न्यूमेरिकल लिया है, मैंने फिजिकल चेंज कराई है, अभी केमिकल रिएक्शन की तो बात ही नहीं हो रही अभी। ऐसे ही मान लीजिए हम एक और फिजिकल चेंज ले लेते, नोट कर लीजिएगा भाई सब कुछ, हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, मान लीजिए सल्फर सिस्टम, सल्फर सिस्टम। तो बेटा सल्फर सिस्टम में सल्फर चार स्टेट में मौजूद होता है, चार तरह से मौजूद होता है आपको, सॉलिड सल्फर मौजूद होता है दो रूपों में, मोनोक्लिनिक, ये होता है सॉलिड, इक्विलिब्रिया बनी होती है रोम्बिक, ये होता है सॉलिड, ऐसे ही इक्विलिब्रिया बनी होती है लिक्विड, लिक्विड ये होता है लिक्विड सल्फर, और ऐसे ही इक्विलिब्रिया बनी होती है वेपर। अगर आपको बताना हो तो चार फेज हैं,
एक दो तीन चार, लेकिन मोनोक्लिनिक क्या है? सल्फर। इसका कॉन्स्टिट्यूट क्या है? सल्फर। इसका कॉन्स्टिट्यूट सल्फर। इसका कॉन्स्टिट्यूट सल्फर। इसका कॉन्स्टिट्यूट सल्फर। यानी सल्फर सिस्टम हैज द फोर फेजेस, बट द ईच फेज ऑफ द सल्फर सिस्टम इज डिफाइंड बाय ओनली वन कॉन्स्टिट्यूट, दैट इज द सल्फर। तो इसका मतलब, इसका किसी भी फेज को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे? ये वेपर है तो कहे, कोई पूछेगा काहे की, तो कहोगे सल्फर की। सर लिक्विड है ये, काहे का? सल्फर का। सर रोम्बिक, क्या रोम्बिक? सल्फर। सर मोनोक्लिनिक, क्या मोनोक्लिनिक? सल्फर मोनोक्लिनिक। तो सल्फर इज द वन कंपोनेंट दैट कैन बी एक्सप्रेस ऑल द फेजेस ऑफ देयर सिस्टम। तो इसका मतलब वन कंपोनेंट सिस्टम है ये। अच्छा, जब तक फिजिकल चेंज हो तब तक कंपोनेंट को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब केमिकल चेंज हो। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कंपोनेंट देखकर निकालने से आपके सही नहीं आते, बहुत गलती होती है। तो कंपोनेंट निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा दिमाग लगाते हुए, आसानी से अप्लाई नहीं होगा फॉर्मूला। तो हम लोग बात करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस, अगर कहीं केमिकल चेंजेस हैं तो कंपोनेंट कैसे निकाले जाएंगे। तो बेटा पूरा रफ करता हूं, आप नोट करें, पूरा रफ करते हैं, बात करते हैं केमिकल चेंजेस में कंपोनेंट कैसे निकलेंगे। बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्टिव सिस्टम में कंपोनेंट कैसे निकाले जाएंगे। तो जरा फॉर्मूले की बात कर लें, उसमें इन्वॉल्व होने वाले टर्म्स की बात कर लें, और किसी भी सिस्टम में निकालने के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे केमिकल में। तो कहा गया कि इन केमिकली रिएक्टिव, इन केमिकली रिएक्टिव सिस्टम, इन केमिकली रिएक्टिव सिस्टम, इन केमिकली रिएक्टिव सिस्टम द कंपोनेंट्स आर, द कंपोनेंट्स आर कैलकुलेटेड एज, कैलकुलेटेड एज, कैसे भाई? तो कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला है C इक्वल्स टू एस माइनस ई माइनस आर। कंपोनेंट यानी C इक्वल्स टू एस माइनस ई माइनस आर। कौन क्या है यहां पर, जरा बात कर लेते हैं। कहा गया वेयर C, तो आपको मालूम है कंपोनेंट है, तो C हो गया नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। चलिए भाई, S क्या है? S है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स, चाहे वो रिएक्शन में पहले से मौजूद हो या रिएक्शन के बाद बन रहे हो, सबको काउंट किया जाएगा। तो S है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट आर फॉर्म्ड इन रिएक्शन, चाहे पहले से मौजूद हो या रिएक्शन के बाद बन रहे हो, रिएक्शन में बन रहे हो। बात आती है ई क्या है? ई है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस। जब कई सारे फेज होंगे तो उन फेज के बीच में इक्विलिब्रिया बनेगी, इक्विलिब्रिया बनेगा तो एक इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी। तो ई है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रिया, रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रिया बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट्स,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में कितनी इक्विलिब्रिया बन रही है। बात आती है आर क्या है। आर बड़ा टेक्निकल है, यहां पर लगभग लोग गलती आर में करते हैं। आर क्या है भाई? आर है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। आर है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्या होता है अभी बताता हूं। आर आर है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक भाई, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को ऐसे समझिए, अगर कोई रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में अगर आयंस बन रहे हैं, तो मान लो आयंस बन रहे हैं तो कैटायन भी बनेंगे, एनायन भी बनेंगे। तो पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई टूट रहा है तो टूटने के बाद कैटायन भी बनेगा, एनायन। अब रिस्ट्रिक्शन यह है कि कैटायन जितना बनेगा एनायन उतना ही बनेगा। मान लो NaCl है, NaCl टूटेगा तो एक सोडियम एक Cl माइनस, 10 सोडियम 10 Cl माइनस, 50 सोडियम 50 Cl माइनस। ऐसा हो नहीं सकता कि NaCl टूटे और 50 Cl और 100 Na, नहीं। रिस्ट्रिक्शन है यहां, बराबर मात्रा में बन रहे हैं। सर आयन कम ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि MgCl2, एक MgCl2 टूटेगा तो एक Mg दो Cl। तो सर रिस्ट्रिक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। रिस्ट्रिक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। टोटल चार्ज ऑन द कैटायन, टोटल चार्ज ऑन द एनायन के बराबर हो, ये रिस्ट्रिक्शन है। कब? जब वो केमिकल रिएक्शन में बढ़ रहे हो। अगर कम ज्यादा हो गए तो इसका मतलब क्या? रिएक्शन सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, स्पेशली रिस्ट्रिक्शन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए लगती है। लेकिन रुके रहिएगा अभी, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस मटेरियल बैलेंस के लिए भी लगती है, और फॉर मटेरियल बैलेंस। मटीरियल बैलेंस, ठीक भाई। तो ये हमारे पास हो गया, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी केमिकली रिएक्टिव सिस्टम में कंपोनेंट निकालते हैं, तो केमिकली रिएक्टिव सिस्टम में कंपोनेंट निकालने के लिए C इक्वल टू S माइनस E माइनस R, जहां पर C है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, S है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स, E है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रिया, और R है टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन यानी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। बेहतर समझने के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। चलिए पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो रफ करते हैं, एग्जांपल्स की शुरुआत करते हैं, और एग्जांपल्स में भी हम बहुत सारी कंडीशन अप्लाई करेंगे। एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन तो कोई भी कंडीशन अप्लाई कर देता है, उस कंडीशन के अनुसार आपको अपने सिस्टम को पहले सेटिस्फाई करना होता है, फिर कंपोनेंट निकालने होते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कोई सिस्टम देता है, कहता है कैलकुलेट द फेजेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सिस्टम, है ना। चलिए भाई तो रफ करते हैं, आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। चलिए भाई तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट वाटर सिस्टम। बहुत सारे केसेस पर इस सिस्टम को हम अप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास हो गया एग्जाम्पल वन। एक एक एग्जाम्पल पढ़िएगा बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्जाम्पल वन मैं लेता हूं, Na2SO4 वाटर सिस्टम। अब मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि Na2SO4 वाटर सिस्टम में कंपोनेंट बताओ, साथ में कंडीशन लगाएगा। तो अब क्या क्या कंडीशन वो लगा सकता है किसी भी सिस्टम में? तो देखिए Na2SO4 वाटर सिस्टम है, कोई कंडीशन अप्लाई ना हो तब, कंडीशन अप्लाई हो तब, तो जरा हम देखते हैं अलग अलग बातें। कहा गया Na2SO4 वाटर सिस्टम, पहला केस यहां मान लेता हूं एज्यूमिंग नो डिसोसिएशन। हम मान लेते हैं यहां कोई भी, चाहे वाटर हो चाहे सोडियम सल्फेट हो, डिसोसिएट नहीं हो रहा। तो एज्यूमिंग नो डिसोसिएशन, पहला केस मानते हैं Assuming no dissociation, हम मान लेते हैं यहां कोई भी डिसोसिएट नहीं हो रहा,
ठीक भाई, जब कोई डिसोसिएट नहीं हो रहा तो जरा निकालते हैं क्या क्या चाहिए होता है हमें कंपोनेंट निकालने के लिए। देखिए फॉर्मूला यहां लिखे दे रहा हूं फिर से आपका, कंपोनेंट इक्वल्स टू ई माई एस माइनस ई एस माइनस ई माइनस आर, ये चाहिए होता है। तो आप सबसे पहले निकालिए एस, तो एस इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स। भाई आप जरा सोचिए Na2SO4 वाटर सिस्टम है, अभी तक तुम्हें कितने दिख रहे हैं, दो लोग दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई डिसोसिएशन हो नहीं रहा, मतलब कुछ टूट नहीं रहा, जब कुछ टूट नहीं रहा तो कोई आयन बन नहीं रहा, कोई आयन बन नहीं रहा तो कोई नया क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक भाई, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स अभी तक दो ही हैं, दो कौन कौन से हैं मेंशन करना पड़ेगा, Na2SO4 और वाटर। जब कोई डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, जब कोई डिसोसिएशन हुआ ही नहीं तो भैया इक्विलिब्रिया बनेगी ही नहीं, जब सॉल्ट टूटा ही नहीं तो रिएक्शन हुई ही नहीं, तो कोई इक्विलिब्रिया हुई ही नहीं तो इक्वल्स टू जीरो, मतलब नो इक्विलिब्रियम, मतलब नो इक्वेशंस, भैया रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कोई, आर इक्वल टू जीरो। रिस्ट्रिक्शन स्पेशली तब आएगी जब आयन्स होंगे, जब टूटे ही नहीं आयन बने ही नहीं तो कहे कि रिस्ट्रिक्शन। दस दस कंपोनेंट सी इक्वल टू फॉर्मूला है एस माइनस ई माइनस आर इक्वल टू, देखो टू माइनस जीरो इक्वल टू टू, टू माइनस जीरो इक्वल टू टू, भैया कौन सा कंपोनेंट, कंपोनेंट टू, ये टू कंपोनेंट सिस्टम है। चलिए भाई इसी में हम दूसरा केस लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों में Na2SO4 इज डिसोसिएटेड, Na2SO4 डिसोसिएट कर रहा है ना, तो एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, इनका डिसोसिएशन हम एज्यूम कर लेते हैं, मतलब ये डिसोसिएट कर रहा है, चूंकि ये सॉल्ट है डिसोसिएट करेगा, आयन कंबाइन होंगे फिर से Na2SO4 बनेगा फिर डिसोसिएट करेगा। आपको मालूम है सॉल्ट जब भी इलेक्ट्रोलाइट कंबाइन करते हैं एक इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट करते हैं, तो डिसोसिएशन, तो जरा देखिए आपको क्या क्या चाहिए, एस चाहिए, ई चाहिए, आर, तो इनके लिए एस क्या होगा देखते हैं अभी। पहले यहां देखो आपका Na2SO4 तो है ही, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो इक्विलिब्रिया तो बनाना ही है। फिर अब ये डिसोसिएट होगा तो सोडियम आयन भी बनेगा, सल्फेट आयन भी बनेगा बेटा, और वाटर तो है ही, तो कितने कॉन्स्टिट्यूट हैं, एक दो तीन और चार कॉन्स्टिट्यूट, तो एस की वैल्यू 4। अब क्या कोई इक्विलिब्रिया बनेगा, ई ऑफ कोर्स बनेगा, कितना बनेगा, एक ही बनेगा, कौन सा, Na2SO4 डिसोसिएट इनटू Na प्लस प्लस SO4 डबल माइनस, ये एक इक्विलिब्रिया, तो ई की वैल्यू 1। क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, आर इक्वल टू, ऑफ कोर्स सर एक रिस्ट्रिक्शन लगेगी, हमने कहा था एक रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहेगी, वो होगी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर आयन बन रहे हैं तो। ठीक भाई, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या टोटल नंबर ऑफ कैटायंस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एनायंस की, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी ये होना चाहिए 2Na+ ऑफ चार्ज इक्वल टू SO4 डबल माइनस, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। तो भैया कंपोनेंट 10, कंपोनेंट सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एस माइनस ई माइनस आर इक्वल टू 4 माइनस वन इक्वल टू 2, दिस इज द टू कंपोनेंट सिस्टम। ठीक भाई, सर क्या इतनी ही शर्तें, अभी और सुनिए तीसरी कंडीशन, एग्जाम में किसी भी कंडीशन पर किसी भी सिस्टम को आपसे पूछ सकता है, तो हम कहते हैं एज्यूमिंग डिसोसिएशन
ऑफ वाटर ऑल्सो, एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ वाटर ऑल्सो, तो हम वाटर का भी डिसोसिएशन एज्यूम कर रहे हैं बेटा। तो जब वाटर का भी हम डिसोसिएशन एज्यूम कर रहे हैं तो जरा समझिए एस इक्वल टू कितना होगा देखते हैं। पहले तो Na2SO4, इसके डिसोसिएशन से बनने वाले आयन Na+ और SO4-, फिर दूसरा क्या है वाटर, इसके डिसोसिएशन से बनने वाले H+ और OH-। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी टोटल कॉन्स्टिट्यूट 6। अब यहां आता है E यानी इक्विलिब्रिया कितनी, ऑफ कोर्स दो हैं, एक इनके इनके बीच, एक इनके इनके बीच, तो इक्विलिब्रिया दो हैं, कौन कौन से एक्सप्रेस कर दो। पहली इक्विलिब्रिया है Na2SO4 इक्विलिब्रिया विद Na+ SO4-। दूसरी इक्विलिब्रिया कौन है वाटर की, दिस H+ OH-। अब आ जाओ रिस्ट्रिक्शन पर, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की रिस्ट्रिक्शन है बेटा, दूसरी जो है रिस्ट्रिक्शन वो ये है कि जो सॉल्यूशन में जो वो सॉल्वेंट टूटा है अगर उनमें से कोई भी H+ या OH- इनमें कंबाइन कर गया तो बेटा वहां H+ OH- की कंसंट्रेशन घट बढ़ जाएगी जिस वजह से मीडियम की pH वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि pH घट रही है बढ़ रही है कुछ बताया नहीं, इसका मतलब pH कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब यह है कि H+ भी OH- के बराबर होने चाहिए और साथ ही साथ जो सॉल्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी होनी चाहिए। यानी दो रिस्ट्रिक्शन है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि 2Na+ का चार्ज SO4-, के बराबर हो और दूसरा रिस्ट्रिक्शन हो कि H+ इक्वल टू OH- के बराबर हो जिस वजह से pH वैल्यू में कोई अंतर ना आए। ठीक भाई, तो ये हो गया 10 C इक्वल टू, ऐसे ही आपको नए नए पॉइंट मिलेंगे तभी मैं कह रहा हूं। बहुत सारे एग्जांपल देखो S-E-R ये इक्वल टू हो गया 6-2-2 इक्वल टू 2, कैसे -2 -2 -4 6-4 इक्वल टू 2। अब उस लोग कहेंगे सर -2 -2 -4 जोड़ के देखो -4 आएगा, टू कंपोनेंट सिस्टम। तो जरा देखिए कई सारे केसेस पे मैंने इसको समझा। पहला एग्जांपल जब एज्यूम किया कोई डिसोसिएशन नहीं, एज्यूम किया कि सिर्फ सॉल्ट डिसोसिएट कर रहा है, एज्यूम किया जब सॉल्ट और सॉल्वेंट दोनों डिसोसिएट कर रहे हैं हर बार 2 आ रहा है। अच्छा जरूरी नहीं हमेशा सेम ही आए, ये भी समझिएगा। यहां 2 2 2 आ गया तो आप खुश हो गए सर एक बार निकाल लो किसी एक का सब एक कयावत है, नहीं एग्जांपल देखे आगे। चलिए तो ये हो गया पहला एग्जांपल, दूसरा देखते हैं रफ करते हैं इसको, अगला देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको लेक्चर 1 याद होगा तो लेक्चर 1 में केमिकल रिएक्शन में 2 केमिकल रिएक्शन ली थी फेज समझाने के लिए, एक केमिकल रिएक्शन NH4Cl के लिए थी, एक केमिकल रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के लिए थी। अब हम इन दोनों का जरा एग्जांपल लेते हैं। तो पहले मैं लेता हूं डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सबको मालूम है सॉलिड होता है, तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है भाई, तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अगर NH4Cl टूटेगा तो क्या बनाएगा, NH4Cl टूटेगा तो बनाएगा NH3+HCl। तो अगर हम चाहें तो इस सिस्टम को यह भी कह सकते हैं, इस सिस्टम को यह भी कह सकते हैं कि NH4Cl ऑफ सॉलिड NH3 ऑफ गैस HCl ऑफ गैस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें ये 3 लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, यहां 2 तरह के केस आते हैं। जब NH4Cl टूटेगा तो बनेगी अमोनिया और बनेगा HCl। अब यहां सोचने वाली एक बात है कि जब NH4Cl टूटेगा तो बनेगी अमोनिया, बनेगा HCl,
क्या अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर पर उतना ही प्रेशर लगाएंगे जितना HCl लगाएगी? मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के बराबर प्रेशर अप्लाई करेंगे? कहा गया कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होते सबके। ठीक भाई, तो कहा गया यहां पर दो केसेस हैं। पहला केस, हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये सिस्टम है, लेकिन कंडीशन इज दैट द प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू द प्रेशर ऑफ HCl, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो हम ये ले लेते हैं सिस्टम डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी दिस, पर द केस इज दैट, द केस इज दैट कंडीशन क्या है? कंडीशन है प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ HCl, दिस इज द कंडीशन। ठीक भाई, तो देख लेते हैं S इक्वल्स टू आपको कितना कॉन्स्टिट्यूट दिख रहा है? मेरे को तो तीन कॉन्स्टिट्यूट दिख रहे हैं, एक दो और तीन। तो ये हो गए तीन, कौन कौन से? ये हो गए NH4Cl, NH3, HCl। चलिए भाई E की बात करिए, कितने? तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, तो जरा अमोनिया का डिसोसिएशन करिए, देखिए कितना इक्विलिब्रिया बन रहा है। डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, ये रिएक्शन थी NH3HCl, एक का इक्विलिब्रिया बन रहा है वन। रिस्ट्रिक्शन कितनी है बेटा? एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि PnH3 इक्वल टू PHCl होना चाहिए, कोई आयन तो बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ही है डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl, तो डिसोसिएशन ही हो रहा है सिर्फ NH4Cl टू दिस दिस, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन वन है, पी ऑफ NH3 इक्वल टू पी ऑफ HCl, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन। दस कंपोनेंट, दस कंपोनेंट C इक्वल टू S माइनस E माइनस R, दैट मीन्स बेटा 3 माइनस 1 माइनस 1, दैट मीन्स 1, यानी ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। देखा, वन कंपोनेंट सिस्टम, और देख के आपको पता नहीं चलता ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। चलिए इसमें हम दूसरा वाला केस देख लेते हैं, केस टू। केस टू में हम बात कर लेते हैं कि सारी बातें यही हैं, यानी यहां तक यही बात है। तो केस टू में भी हम लिख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl, या आप कह लीजिए दिस सिस्टम NH4Cl ऑफ सॉलिड, अमोनिया ऑफ गैस, HCl ऑफ गैस, बट द कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब यहां पर ऐसे लिख देगा एग्जामिनर P does not equals to PHCl, यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि P of NH3 P of HCl के बराबर ही होना चाहिए। तो अब S equals to बेटा तीन ही रहेगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीन कॉन्स्टिट्यूट हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। HCl E equals to वन रहेगा क्योंकि इक्वेशन एक ही है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। NH4Cl टूटा NH3 और HCl, लेकिन देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन, जीरो। कारण, क्योंकि अब कोई कहानी ऐसी कही नहीं गई कि बराबर ही होना चाहिए, और रिएक्शन में जब ये टूटता तो बराबर होता नहीं, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। तो 10, ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, 10 कंपोनेंट इक्वल टू एस माइनस ई माइनस आर, इतने एग्जाम्पल करा दूंगा कि क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही मिल जाएगा आपको। एस माइनस ई माइनस आर इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टू 2, बेटा देखो कितना कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट सिस्टम, और जबकि ये कितना था, 1 कंपोनेंट सिस्टम। यानी डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl, इफ द प्रेशर ऑफ द HCl इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द NH3, द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम इज वन, लेकिन डिसोसिएशन ऑफ NH4Cl ही है, बट कंडीशन ऑफ द प्रेशर गैसेस अप्लाई नहीं है, तो कंपोनेंट कितना है, 2। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल। चलिए एक और लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, जो आपको एक लेक्चर वन में
दो केमिकल इक्वेशन लिखी थी, एक कैल्शियम कार्बोनेट वाली लिखी थी, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा था, CO2 निकाल रहा था और CaO निकाल रहा था, जरा उसकी बात करते हैं भाई। तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं, रफ करते हैं इसको। चलो भाई तो बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल थ्री, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सबको मालूम है सॉलिड होता है, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए भाई कैसे इसको आप दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, हो सकता है ऐसे एग्जाम में लिखा मिल जाए CaCO3 ऑफ सॉलिड एंड द ब्रेक डाउन होगा तो CO2 और CaO निकलेगा, तो ये हो जाएगा CaO ऑफ सॉलिड एंड CO2 ऑफ गैस सिस्टम, इस तरह से लिखा हो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक भाई, चूंकि यहां एक गैस बन रही है इसलिए प्रेशर को बराबर रखना या इक्वल टू रखने का कोई चांस नहीं है। जिन इक्वेशन में एक से ज्यादा गैसेस निकल रही हो, यानी एक से ज्यादा टाइप की गैस निकल रही हो, वहां दो कंडीशन वो अप्लाई कर सकता है, इक्वल प्रेशर का डज नॉट इक्वल प्रेशर का, इक्वल प्रेशर का तो रिस्ट्रिक्शन वन बढ़ जाएगी, डज नॉट इक्वल टू का तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां एक ही गैस है तो अब इक्वल टू नॉन इक्वल टू प्रेशर का कोई मतलब नहीं। चलिए भाई तो जरा बात करते हैं S इक्वल टू कितने कॉन्स्टिट्यूट, एक दो तीन लिख दो, CaCO3, CaO और CO2। भैया E जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट होगा इनमें तो एक इक्विलिब्रिया बनेगी, CaCO3 ब्रेक डाउन होकर CaO प्लस CO2। एक रिस्ट्रिक्शन की बात करिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं क्योंकि आयंस कोई है, कोई आयन नहीं है, जब तक आयन ना हो तब तक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, जब तक प्रेशर कम ज्यादा ना किया जाए कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अब यहां कुछ भी नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई, जीरो, तो रिस्ट्रिक्शन जीरो। दस कंपोनेंट सी इक्वल टू S माइनस E माइनस R, S माइनस E माइनस R, तो S हो गया 3 माइनस 1 माइनस 0, ये हो गया 2, यानी 2 कंपोनेंट सिस्टम है, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। चलिए भाई अब जो अगला एग्जांपल मैं लेने वाला हूं वो धुआंधार है, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल, बहुत बड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल, पूरा बोर्ड रफ करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं जिसमें आयन कई सारे बनेंगे, आयनों आयनों के बीच रिएक्शंस का भी यहां खेल शुरू हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। एग्जांपल फोर जो एग्जांपल फोर है उसमें मैं दो एक ही तरह के सॉल्ट ले रहा हूं, एक से ज्यादा सॉल्ट ले रहा हूं एक ही तरह के। देखिए हम ले रहे हैं KCl, NaBr, वाटर। KCl, NaBr, वाटर सिस्टम। अब यहां प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर ये टूटेंगे तो K प्लस Cl माइनस और Na प्लस Br माइनस, तो KBr से भी तो रिएक्शन कर सकता है, कर लेगा तो KBr एक नया कॉन्स्टिट्यूट तैयार हो जाएगा वहां, वैसे ही Na अगर Cl से कर लेगा तो NaCl एक नया कॉन्स्टिट्यूट तैयार हो जाएगा। तो ऐसे भी केस आपको दे सकता है कि एक से ज्यादा सॉल्ट हो, अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें एक ही सॉल्ट था या डिसोसिएशन रिएक्शन थी, जैसे पहला वाला पढ़ा था एक सॉल्ट था Na2SO4, दूसरा पढ़ा डिसोसिएशन रिएक्शन थी, तीसरा पढ़ा डिसोसिएशन रिएक्शन ही दी थी। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां देखिए दो सॉल्ट वाटर। अब यहां कई सारी केस में बात करेंगे, पहला केस हम एज्यूम करते हैं एज्यूमिंग नो डिसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं है, अज्यूमिंग नो डिसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन है ही नहीं। जब कोई डिसोसिएशन नहीं है तब जरा गौर करना, गलती करते हैं सब लोग इस वाले केस में जब दो सॉल्ट हैं। देखिए हमने कहा कि डिसोसिएशन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि जब आप KCl और NaCl को
वाटर में डालोगे तो KCl NaCl आपस में रिएक्शन भी तो कर लेंगे, कर लेंगे तो वहां KCl भी मौजूद होगा, NaBr भी मौजूद होगा और K NaBr के Br से रिएक्शन करके KBr और Na KCl के Cl से रिएक्शन करके NaCl भी बना लेता है। भले ही वहां डिसोसिएशन नहीं एज्यूम कर रहे हैं, आयंस नहीं है, लेकिन कंपाउंड्स होंगे। तो KCl NaCl ध्यान देना यहां, KCl NaCl और वाटर ये ऑलरेडी प्रेजेंट के केस में आएंगे, ऑलरेडी प्रेजेंट और NaCl KBr, एक मिनट बेटा ये NaBr लिखा जाएगा, KBr ये रिएक्शन के बाद बनेंगे, फॉर्म्ड इन रिएक्शन। तो हमने एज्यूम किया है कि डिसोसिएशन नहीं है, लेकिन बेटा डिसोसिएशन नहीं मतलब आयंस नहीं है, पर द कंपाउंड कैन रिएक्ट टू फॉर्म अनदर कंपाउंड। ऐसा होगा क्योंकि ये सेम सॉल्ट है, सेम टाइप के सॉल्ट है, तो एक दो तीन चार पांच, इसीलिए मैं ढूंढ ढूंढ के एग्जाम्पल ला रहा हूं हर टाइप का पांच। अब ई बेटा एक इक्विलिब्रिया होगी, कैसे, जब ये दोनों रिएक्शन हुएंगे तभी तो ये दोनों बने होंगे, यानी KCl प्लस NaBr इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट टू K का Br के साथ, यानी KBr प्लस Na का Cl के साथ, तो NaCl देयर इज अ नो आयन बट एग्जिस्ट अ इक्विलिब्रिया। चलिए रिस्ट्रिक्शन, बेटा आयन बना नहीं, आयंस बने नहीं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं, जीरो, और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं तो रिस्ट्रिक्शन जीरो। तो बेटा 10 आपके पास कंपोनेंट C इक्वल टू S माइनस E माइनस R, दैट मींस C इक्वल टू बेटा 5 माइनस 1 माइनस 0 दैट इज 4। ये 4 कंपोनेंट सिस्टम है, 4 कंपोनेंट सिस्टम है। कब, जब एज्यूम किया कि कोई डिसोसिएशन नहीं है। चलिए भाई अब यहां पर हम केस टू कर लेते हैं, यही कर लेते हैं इसी में, यहां पे केस टू हम एज्यूम करते हैं कि सॉल्ट डिसोसिएशन में है। ये मैं लिख लेता हूं, 4 केस इसमें लेकर आऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा केस मैं ले लेता हूं 2, एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स जो है वो डिसोसिएट कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एस इक्वल टू कितना भी देख लेते हैं। देखिए KCl तो होगा ही, वैसे ही NaBr भी होगा, वैसे ही बेटा NaCl भी होगा और KBr भी होगा। अब इनके आयन क्या, बेटा KCl टूटेगा, A को तोड़ो तो बनेगा K प्लस और Cl माइनस, NaBr टूटेगा तो बनेगा Na प्लस Br माइनस, बेटा NaCl टूटेगा तो बनेगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस पहले लिखा है, KBr टूटेगा बनेगा K प्लस Br माइनस ऑलरेडी लिखा है, एंड वाटर, क्योंकि हम सॉल्ट को तोड़ रहे हैं तो वाटर तोड़ नहीं सकते, वाटर तो सॉल्ट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कॉन्स्टिट्यूट कितने हैं, 9। अब ई जरा देखिएगा बड़ा ध्यान से, ई देखिए बेटा जब मैं ई की बात करता हूं तो आपको एक बात यहां समझनी है, ई एक तो इक्विलिब्रिया इनका मतलब आयंस का, और आयंस का ही होगा क्योंकि सब टूट गए, तो एक हो गया KCl इक्विलिब्रियम विद K प्लस Br माइनस, K प्लस Br माइनस, दूसरा इक्विलिब्रियम NaCl का, NaCl इक्विलिब्रियम विद Na प्लस Br माइनस, अगला NaCl का, NaCl इक्विलिब्रियम विद Na प्लस Cl माइनस, और अगला एक मिनट NaCl का लिख चुका मैं, KCl का लिख चुका, NaCl का लिख चुका, इसका मतलब NaBr का बचा और KCl का बचा, KCl हो चुका तो कौन बचा भाई, KBr बचा,
के बी आर, तो ये हो गया के प्लस प्लस बी आर माइनस। देख रहे हो दिमाग काम करना बंद कर रहा है। केसीएल तोड़ा और के बी आर बना दिया है मैंने। केसीएल टूटा तो केसीएल टूटा के प्लस सी एल माइनस, एनएसीएल टूटा एन ए प्लस सी एल माइनस, एन ए बी आर टूटा एन ए प्लस बी आर माइनस, के बी आर टूटा के प्लस बी आर माइनस, तो चार। ठीक भाई, अब यहां रिस्ट्रिक्शन एक होगी बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आयंस बन रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अगर आयंस बन रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन होती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दस कंपोनेंट सी इक्वल टू एस माइनस ई माइनस आर, तो बेटा ये तुम्हारे पास क्या हो जाना है, नाइन माइनस फोर माइनस वन, और नाइन माइनस फोर माइनस वन यानी माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, और नाइन से सब्सट्रैक्ट करिए चार, यानी फोर कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक भाई, अब जरा हम लोग एक बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि वाटर ऑल्सो डिसोसिएट, तो ये मेरे पास केस हो गया। मान लेते हैं कि वाटर भी डिसोसिएट कर रहा है, बेटा वाटर भी डिसोसिएट कर रहा है, तो बेटा एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ऑल्सो। देखिए एक मिनट, ये वाला केस आपका हो गया, ये केस हो गया, अब मैं अगला केस इसी में लिखे दे रहा हूं, तो ये मैं तीसरा केस नोट कर लेता हूं, तो ये आप नोट करेंगे, ये आप नोट करेंगे, तीसरा को केस मैं ले लेता हूं, एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ऑल्सो। मान लेता हूं वाटर भी टूट गया, तो इतना ये सब रहता तो रहेगा ही रहेगा, वाटर टूट गया तो वाटर के भी दो आयन बढ़ जाएंगे, एच प्लस और एच माइनस, एच प्लस और ओ एच माइनस। अब यहां एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह कॉन्स्टिट्यूट हो गए, ग्यारह कॉन्स्टिट्यूट हो गए, तो बेटा इनकी तो एक रिएक्शन लिखी, इनकी भी एक लिखी, इनकी भी लिखी, इनकी भी लिखी, अब वाटर वाली भी एक बढ़ गई, एक रिएक्शन और बढ़ गई यहां, तो H2O gives to H plus plus OH minus, तो अब E हो गई पांच, रिस्ट्रिक्शन दो हो गए, एक तो हो गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और दूसरा हो गया H plus equals to OH minus का, तो ये हो गई रिस्ट्रिक्शन दो, तो बेटा 11 अब हो जाएगा, अब फॉर्मूला हो जाएगा C equals to S minus E minus R, ये हो जाएगा 11 माइनस पांच माइनस दो, तो 11 माइनस फाइव माइनस टू, तो पांच दो सात और 11 से घटाइए तो आ जाएगा चार, फोर कंपोनेंट सिस्टम। तो ये मेरे पास यहां तीन केस अप्लाई हो जाते हैं। यहां पर एक मैं नोट भी लिखा रहा हूं आपको, इस नोट को बहुत ध्यान से देखिए, यहां एक नोट कर रहा हूं, तो भैया आप ये फटाफट नोट करते जाएंगे, बिना नोट किए मत करिएगा, पता लगा बाद में दो दिन बाद पढ़ो तो कुछ पता ही नहीं, कॉपी में कुछ है ही नहीं। तो देखिए भाई, हम लोग एक यहां पर केस अप्लाई करते हैं, कभी कभी आपसे वो कहता था, कह देता है कि जब दो सॉल्ट होते हैं, दो सॉल्ट होते हैं तो कह देता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्ट्स आर इक्वल। अब इक्वल तो एक उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी आपके सामने, तो हमने स्टार्टिंग में क्या सॉल्ट लिया था, केसीएल एलएबीआर लिया था, तो कहा है उसने नोट, तो नोट में इफ केसीएल इक्वल्स टू NABR, वो कह रहा है इफ KCL इक्वल टू NABR, यानी KCL एंड NABR आर सेम, सेम इन अमाउंट, तो ऐसे केस में देखे ये सब वैसे ही रहेगा, जैसे जो चल रहा था वैसे ही रहेगा, लेकिन एक कंडीशन बढ़ गई, तो जो केस वन यहां लिखा था, टू लिखा था, थ्री लिखा था, सब में एक कंडीशन बढ़ जाएगी और वो कंडीशन हो जाएगी इक्वल टू का। तो अगर हम नोट लगा दें इफ केसीएल इक्वल टू एनएबीआर, तो देखिए जो वन लिखा था, टू लिखा था या थ्री लिखा था, हम थ्री में ही समझ लेते हैं, वन टू भी वैसे ही होंगे, तो देखिए यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे इस पॉइंट थ्री में यहां एक फर्क पड़ेगा, कंडीशन यहां तीन हो गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये, और एक केस हो गया कि केसीएल इक्वल टू एनएबीआर है, तो रिस्ट्रिक्शन एक बढ़ जाने की वजह से ये हो जाएगी थ्री एंड द कंपोनेंट इज द थ्री। अच्छा ऐसा ही बेटा, देखिए मैंने पॉइंट थ्री में कर दिया है, टू और वन मिटा चुका हूं, उसमें भी यही बात आप लिख दोगे अगर आप नोट करना चाहो तो वहां भी वही केस होगा कि एज्यूमिंग डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, तो वहां नौ थे, चार थे, एक था, तो नौ
चार दो हो जाएगा केस टू में, ऐसे ही केस वन में। तो ये मेरे पास कंपोनेंट निकालना हो गया। तो हमने इतने एग्जांपल ले लिए यहां आपको कंपोनेंट समझाने के लिए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा लेते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सिखा लेते हैं। फिर फेज हो गया, कंपोनेंट हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जिन क्वेश्चंस में हम फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट निकालेंगे तो वहां भी बहुत सारे एग्जांपल आपको कंपोनेंट निकालने के, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के, फेज निकालने के मिल जाएंगे। तो अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। उसके बाद बात करेंगे ओवरऑल एग्जाम्पल्स की, जिसमें फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंपोनेंट सब निकाले जाएंगे।